क्वेश्चन ये हुआ कि जो काम पहले 5 रुपए में होता था आज 5,000 में होता है। अरे बिहारी लोग जहाँ भी गया काम किया, बिहार के दिमाग के बिना हिंदुस्तान नहीं चलने वाला है, लेकिन फिर भी बिहारी का सम्मान नहीं। कोरोना काल में अभी चुनाव की जो बात हो रही है, ये चुनाव अभी नहीं होना चाहिए था। देखिए सरकार किसी की भी आए, हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी अरे थाना चले जाइए, कोई सुनने का वाला नहीं बात को आपकी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अपना अतुल किशोर और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ टाइम्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पूर्णिया सदर चुनाव क्षेत्र के जाने माने शख्स से। ये पूर्णिया के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं और इस वक्त हाल फिलहाल तौर पे ये यहाँ के पार्षद हैं। शहीद रजा जी से हम बात करने वाले हैं और चलिए उनसे बात करते हैं, उनकी विचारधारा लेते हैं इस कोरोना काल के वक्त हो रहे बिहार इलेक्शन के बारे में और जानते हैं कि कितना विकास हुआ है बिहार में। चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर। बिहार के विकास की बात जहाँ तक आप करते हैं तो बिहार में विकास तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और नीतीश जी के कार्यकाल में विकास काफ़ी हुआ है और बहुत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़त्म हो चुके थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डेवलप किया है बिहार में, ये एक बड़ी बात है। लेकिन साथ साथ जो उनका निगेटिव पहलू रहा वो ये रहा कि साहब प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो बहुत अधिक यहाँ के लोगों पर शोषण हुआ, उसके द्वारा जो शोषण किया, इस पर कोई पकड़ नीतीश जी का नहीं हो सका। और जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं रहा। जनप्रतिनिधि किसी की बात लेकर के, जनता की बात लेकर के पदाधिकारियों के पास जाने के से परहेज करने लगे, इसलिए कि उनकी बात नहीं सुनी जाने लगी। सर शोषण किस प्रकार से हुआ? शोषण ये हुआ कि जो काम पहले 5 रुपये में होता था आज 5,000 में होता है, यही शोषण में जनता का उदाहरण। आप म्यूटेशन कराने जाइए ब्लॉक में, सब कुछ ऑनलाइन होता है, लेकिन सारा जब तक आप पैसा नहीं दीजिए, छोटा मोटा भी काम अगर है तो आपको 50,000-25,000, जो गरीब आदमी है बेचारे पास 2 कट्ठा जमीन है वो भी जाता है अपना म्यूटेशन कराने के लिए, तो उससे बोलता है कि 20,000-10,000 रुपये दीजिए। ये ओपन है, ऐसा नहीं है कि इससे सरकार अवगत नहीं है, सरकार भी बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रही है, लेकिन फिर भी कोई अंकुश इस पर नहीं हो सका आज तक। ये बहुत बड़ा जो एक 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 सेक्शन की बात होता है, उसके बाद आप कहीं चले जाइए थाना चले जाइए, कोई सुनने का वाला नहीं बात को आपके। जब तक कि आप पैसा नहीं दिए FIR आपका दर्ज नहीं होगा। अब SP के पास, IG के पास, DIG के पास आपको जाना पड़ता है, हर आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, ये संभव नहीं है। अब वो भी जाते हैं तो भी दरोगा से फीडबैक लेते हैं कहीं ना कहीं। तो सरकार ये समझने लगे, पदाधिकारी ये समझने लगे कि जनता या जनता के प्रतिनिधि सब चोर हैं, बाकी यही लोग बहुत स्वच्छ हैं। ये एक जनरल मानसिकता लोगों में, हम लोगों ने महसूस किया, आम लोगों भी महसूस करते हैं। तो ये एक उनके इसमें काल में ये एक ड्रॉबैक है, उनका निगेटिव पहलू है। लेकिन विकास की बात जहाँ तक करते हैं तो विकास उन्होंने किया है, इसमें कोई भी आदमी से इनकार नहीं कर सकता है। क्या क्या विकास हुआ है? विकास इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था, जो ध्वस्त हो चुका था, जो दिखता नहीं था, कल स्कूल की बिल्डिंग दिखती नहीं थी, आज दिखती है हर जगह, गांव देहात जहां भी चले जाइए। बहुत से ऑफिशियल्स जब बहुत बुरे हालत में था उसको उन्होंने सुधार किया, आज वहां जाकर आपको बैठने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जिसके लिए किया, जिस जनता के लिए किया, उस जनता की कोई पूछ नहीं है। अच्छा, उसे जनता दरबार लगाया, प्रयास उन्होंने बहुत किया लेकिन जनता दरबार का भी कोई रिजल्ट नहीं आया। सरकार के उनके तंत्र जो है, कर्मचारी जो है, जैसे काम करता था बल्कि उसमें और ज़्यादा उसने परेशान कर दिया लोगों को। अच्छा, मतलब विकास हुआ है लेकिन कर्मचारी हैं, हाँ, वो ठीक से काम नहीं, वो उन्होंने सरकार को बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। वो तो नीतीश जी का दृढ़ संकल्प था, जहाँ जहाँ रहा उन्होंने उस हिसाब से काम करा लिया, ये उनकी महानता है, उनका दृढ़ निश्चय है जिसमें उन्होंने काम ले लिया उन लोगों से। अदरवाइज आम जनता का काम जो है वो नहीं हो पाया, सही काम को भी के में भी बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, हुआ। सर 15 साल बीत गए हैं सर अभी, मतलब नीतीश जी के शासन को 15 साल बीत गए हैं, तो सर मतलब क्या वो मतलब डिजर्व करते हैं आगे का और आगे और रूल करना? बिल्कुल डिजर्व करते हैं, कहीं डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं। उन्होंने बिहार को कम से कम सम्मान तो दिलाया है। अच्छा, काम तो किया है। तो लोगों का सर कहना है कि बिहार को सम्मान दिलाया है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम, जैसे मैं खुद बाहर रहता हूँ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, बाहर रहता हूँ, तो वो इज्जत अभी भी बिहारियों को नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं एक टर्म कोट किया जाता है कि बिहारी है, ऐसा क्यों है सर, इसका क्या मतलब? देखिए इसकी वजह यह है कि बिहार के ज़्यादातर, बिहार में रोज़गार नहीं है, रोज़गार का बहुत अभाव है। इसके लिए नीतीश जी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। अच्छा, सबसे बड़ा काम जो कि उनको फैक्ट्री लगवाना चाहिए था या रोज़गार के मुहैया कराना चाहिए था, ये इन्होंने नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया लेकिन रोज़गार के मामले में बिहार आज भी पीछे है, रोज़गार से रिलेटेड बहुत पीछे है। और आप अगर किसी के अपने घर से निकल के दूसरे घर में जाकर के आप अगर नौकरी करते हैं तो इसका मतलब कि आपकी इज्जत ऐसे घट जाती है। अच्छा,
आप अगर अपने घर पर बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं, आपका 10 आदमी आपके यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप यहीं से आप बाहर चले जाइए तो बोले कि ये तो बाहर का आदमी है, आपका क्या सम्मान वहाँ होगा, वहाँ आप सम्मान नहीं सम्मानित नहीं होगा, वहाँ आप नौकर रहिएगा और नौकर का भी जो ग्रेड होगा वहाँ का जो लोकल नौकर होगा और जो आप होइएगा, दोनों में डिफरेंस तो होगा ही, इसलिए बिहारी की इज्जत नहीं। बिहारी बिहारी लोग जहाँ भी गया काम किया, आज दिल्ली में भी तो बिहारी डोमिनेट करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि बिहार में उसको कोई ऑप्शन नहीं है, वो बाहर जाके पैसा कमाता है, कमा लेता, कमा सकता है, लेकिन बिहार में उसको कोई रोजगार का ऑप्शन नहीं है। बिहार में कोई बाहर का आदमी आके बिहार में कोई नौकरी कर ले या कोई बड़ी कंपनी में सर्विस कर ले, ऐसा नहीं है, सबको बाहर जाना पड़ता है। आपके सम्मान क्या होगा, आप भी किसी को दीजिएगा नौकरी तब ना होगा कि आपको सम्मान होगा। सर, छोटे तबके के अगर लोगों की बात करें तो जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं, चाहे मतलब आप अलग शहरों में जाइए, आप लोग आपको वेंडर्स में मिलेंगे, रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे, जो कि बुरी बात नहीं है, आप कहीं ना कहीं आपको रोजगार तो चाहिए, कहीं तो चाहिएगा रोजगार के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर के जो लोग हैं, एक तो काम लेते हैं वहाँ पे, उस वक्त उनको याद नहीं आता कि वो एक बिहारी के रिक्शे में बैठ रहे हैं, ठीक है, वो बिहारी के हाथ से वो कचौड़ी खा रहे हैं, हाँ, लेकिन जब टर्म करना होता है तो तुरंत बोल देते हैं कि ये बिहारी। बिल्कुल बिल्कुल है। क्या असर है, यहाँ से जो अरब में जाके काम करता है बहुत सा लोग, उसको गुलाम बोलता है लोग, उसको बोलता है कि ये मतलब लेबर मजदूर है, ये काम कर रहा है इंजीनियर का, काम वो ऑफिसर का कर रहा है उसका, लेकिन उसके नज़र में वो नौकर है और ये मजदूर है, उसका बस उतना ही वैल्यू है, कोई सम्मान नहीं मिलेगा उसको। यही चीज़ अब हम आपके रिक्शे पर बैठ रहे हैं, आप ढोकर हमको ले जा रहे हैं, सम्मान किसका है, मेरा है कि उस रिक्शे वाले का? नहीं होगा सम्मान, उसका सम्मान नहीं होगा। आप उसके शहर में जाके काम कर रहे हो तो सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मान ढूंढना मुश्किल है। वो जब आके आपके यहाँ काम करेगा तब आपको सम्मान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, तब आप मालिक कहलाइएगा। यही वजह है कि आज बिहारियों को लोग, सब लोग बिहारी से काम लेते हैं, सब लोग बिहार बिहार के दिमाग के बिना हिंदुस्तान नहीं चलने वाला है, लेकिन फिर भी बिहारी का सम्मान नहीं, उसकी वजह यही है, लोगों का बिहार का नाम ऊंचा हुआ है, लोगों को सम्मान मिला, तो इसके ऊपर बात करना ये, 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 ये बड़ी बात, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं सम्मान मिला और सम्मान दिलाया, ये बात ठीक है, लेकिन उसके पहले जो हालात थे उसके बनिस्बत कुछ बेटर हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उससे बेटर हुआ, बेटर हुआ क्या, मान ली सड़क नहीं थी, लोग आधा बिहार बोला कि सड़क खत्म है, देहात से बदतर है, तो सड़क तो सर अभी भी बना है सर, लेकिन वो उस ठीक है, फिर तो नहीं दिख रहा है, फिर बेहतर तो हुआ है। आज आप पटना जाना चाहते हो तो आप चले जाते हो गाड़ी से बैठ के, आज मान लीजिए कहीं कहीं गली कूचे में भी सड़क तो बनी है, लेकिन जो प्रॉपर होना चाहिए, आज पटना में सड़क सारी सड़क बनी हुई है, कहीं पर फुटपाथ ये नहीं है आपके, लेकिन आज वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है। नीतीश जी के काल को मतलब कार्यकाल को ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब जैसे एक आदमी 2-3 दिन से भूखा पड़ा हुआ था, ठीक है, जो जिसको कहीं ना कहीं हम लालू जी का काल कह सकते हैं, और एकदम से अंधेरे में आकर उसके हाथ में एक रोटी पकड़ा दिया, तो उसी से हम लोग खुश है 15 साल, बस इतना ही विकास होना चाहिए, विकास का वही नहीं था, विकास तो और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए था। बस बिजली सड़क पे बात करते रहेंगे हम लोग, क्या 15 साल, देखिए बिजली सड़क भी विकास के लिए बहुत जरूरी मार्ग है, एक माध्यम है, बिजली अगर है तो कुछ ना कुछ लोग काम करता है, सड़क अगर है तो मार्ग आज गाड़ी चला के लोग 2 पैसा कमा रहा है, ये बात सही है, पहले सड़क ही नहीं था तो गाड़ी क्या खरीदता लोग चलाता, ये सड़क और बिजली 2 चीज जरूरी है किसी शहर के विकास के लिए, तो वो चीज़ तो उन्होंने किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको डेवलप करना चाहिए था, आज मेडिकल कॉलेज खुल गया बहुत जगह, आज बहुत जगह मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने खोल दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गया, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, आप पढ़ा रहे हैं वो जाके फिर बाहर जाके नौकरी करेगा, आपके यहाँ स्कोप नहीं है उसका। आज कोई डॉक्टर बनेगा आपके यहाँ कोई स्कोप नहीं है, आज कौन पटना जाता है, सिलीगुड़ी लोग चला जाना पसंद करता है, पटना नहीं जाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं तो आपके सिस्टम में झोल तो है। आज पटना में एम्स बना, एम्स का क्या वैल्यू है उसका, कोई वैल्यू नहीं, आप कभी नहीं कहीं भी जाकर के आप सोचिएगा, सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत सारा इंतजाम किया है, काफ़ी दवा मेडिसिन सारा कुछ किया, लेकिन आज कोई जाना नहीं चाहता है जल्दी, कि हम जाएंगे तो वहाँ फंस जाएंगे, वहाँ भी जाकर पैसा देना पड़ता है उसको। इस पे काम क्यों नहीं हो रहा सर, फिर मतलब इस पर देखिए नहीं नहीं हो पाया इस पे काम, इसलिए कि पूरा आपके जो है तंत्र ही बिगड़ा हुआ है। और कैसे सुधरेगा सर ये? सुधरने के लिए बहुत एडमिनिस्ट्रेटर आदमी को आए, और जहाँ तक सवाल है कि कोरोना काल में अभी चुनाव की जो बात हो रही है, ये चुनाव अभी नहीं होना चाहिए था, अच्छा ये चुनाव कुछ दिन और टालना चाहिए था मेरे हिसाब से, इसलिए कि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, आम जन जो है बहुत परेशान है, और उसको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करेगा, इसलिए इसमें वोटिंग का जहाँ तक सवाल, इससे और ज़्यादा बीमारी के फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी नहीं हो रहा है। लोगों से बात हुई मेरी, तो उनका कहना था कि नहीं, युवा उनको चाहिए, उनको सरकार चाहिए, तेजस्वी जी की सरकार आएगी इस बार। देखिए, सरकार किसी की भी आए, हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीइंग ए माइनॉरिटी, हम लोग कहते हैं कि सरकार नीतीश जी की रहे, कि आडवाणी जी की रहे, कि किसी जी की सरकार रहे या मोदी जी की सरकार, हम लोगों को काम चाहिए। अच्छा। हम लोगों को जस्टिस चाहिए। कोई भी आदमी, जनता को यही चाहता है। कोई डेमोक्रेसी में तीन चीज़ ज़रूरत होती है जो बहुत ज़रूरी है। एक तो जनता की बात में जो मीडिया, जो आपको एक बहुत बड़ा स्टैंड है उसका। दूसरा, पब्लिक की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, उसको उठा है। दूसरा, जनता को काम चाहिए और इंसाफ भी चाहिए। मैं आज मेरे सामने, मान ली हमने किसी ने हमको जबरदस्ती पीट दिया बेकसूर, हम आपके पास गए सरकार के पास फरियाद करने, कोई इसको फरियाद सुनने वाला नहीं है। ये तो ये नहीं है डेमोक्रेसी का, मतलब तो नहीं है ये, तो राजतंत्र भी में भी ऐसा नहीं होता था। आपके अंडर में सर कितना काम आता है? हमारे अंडर में आता था, नगर निगम में बहुत डेवलपमेंट का बहुत काम आता है, और पूर्णिया शहर के विकास की जहाँ तक सवाल है तो बहुत सी बात है जिसमें कि जब तक जिला प्रशासन नगर निगम के साथ मिल करके शहर को विकसित नहीं करना चाहेगा तो नहीं होगा। इसलिए कि सरकार मदद कर रही है सर, सरकार के सरकार भी सहायता देती है। सरकार उस हिसाब से तो फंड नहीं हो पाता है, लेकिन कितना चाहते हो उतना फंड नहीं हो पाता ना, उतना नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा चाहिए किसी शहर को विकसित करने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी पर कोई काम कहीं नहीं हुआ। ये सिर्फ आप मीडिया के लोग या हम लोग बोलते रहे, लेकिन स्मार्ट सिटी के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, पूरे शहर की बात नहीं करते हम, कहते हैं 10 वार्ड को ही स्मार्ट बना दीजिए आप, तो हम समझते हैं कि एक एक पहल होगा, लेकिन वो भी चार कदम छोड़ छोड़ के भी अगर सुंदरता दिखे तो उसमें भी कुछ हो जाएगा, तो भी होता ये चीज़ नहीं है। इसलिए वो स्मार्ट सिटी की बात जहाँ तक करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी, और प्रयास हर जगह टच किया है उन्होंने, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। दूसरी बात है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विकास में, कि जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट है, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, सबसे ड्रॉबैक जो है ये विकास नहीं ना है। मकान बना देना बहुत अच्छा, उस मकान में मान ली बिजली नहीं रहे, उस मकान में रहने वाला भूखा सोए, तब क्या? शहर बहुत अच्छी, सड़क बहुत अच्छी है, उसमें पैदल चल रहा है लोग, ये विकास नहीं हुआ। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज यहाँ का लोग जो भाग के आया था, तौबा करता था, आके थूक चाटा कि हम कभी नहीं जाएंगे बाहर काम करने के लिए, वो बिहारी मजदूर आज फिर बस पर लद करके फिर जा रहा है, जिससे कि यहाँ आप उसको काम ही नहीं है, यहाँ भूखा मर रहा है। तो आप नीतीश जी, हम ही नहीं कहते कि नीतीश जी बहुत खराब ये है, लेकिन नीतीश जी को ये बात को सोचना चाहिए था। आप विकास पर विकास कर रहे हैं, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करना चाहिए था। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, उसको ला करके यहाँ पर इस्टेब्लिश कराना चाहिए था, ताकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट लोगों का बढ़ता। आईटी सेक्टर से आता, आईटी सेक्टर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज जो है बहुत से सीट से आईटी सेक्टर को ला करके आज एक हब बना लिया, हब बना करके आज डेवलप स्टेट में आ रहा है। आपका स्टेट जो है डेवलप स्टेट में नहीं आता है, क्यों? ऐसा बाबरी मस्जिद में जिन लोग ध्वंस किए थे उन लोगों को बरी कर दिया गया, उन लोग कुछ हो गया। अरे ना बाबरी मस्जिद हमको खाना दे रहा था, समझा कि नहीं? ना कोई मंदिर जो स्टैचू बनाया है मोदी जी, क्या ना वो हमको खाना दे रहा है। आप उसी से, उससे एक तो फैक्ट्री बनाए थे कम से 50 आदमी, तो उसमें 100 आदमी तो खटता, उसमें रोजगार कमाता, आप कोई चीज़ बनाते पैदा करते हैं, तो आप तो एक बना दिया, उसी में जाके लोग चढ़वा चढ़ाएगा, उसमें भी खर्च है, नहीं है खर्च। तो मेरा ये ना कि आप ठीक है, भगवान है, हम लोग भी मानते हैं, बिना भगवान के कोई आदमी नहीं चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो आप एक तो चीज़ खड़ा कर दिया, उससे एक हर आदमी उसी के पीछे पागल हो रहा है। बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही आप सुना रहे हैं, इससे तो कितना दिन काम चलेगा, और लोग इसी पर लेकिन चल रहा है, क्योंकि ये धर्म की बात है, तो धर्म के बाद में लोग भूखे रह करके भी धर्म को मानता है, इसी का इस खेल का फायदा उठाया जा रहा है, चलेगा अभी सर। मतलब ये, मतलब आखिरी में पूछना चाहूँगा, मतलब ये बात तो अगर हम बहस करें इस चीज़ पर तो बहस चलती रहेगी, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है ना, लेकिन ये बात मेरे समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि ये इस जाल में फंसे रह जाएंगे या फिर इससे आगे बढ़ेंगे। इसमें युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी ही कुछ इनकलाब ला सकता है, जब उसको ये समझ में आ जाएगा पूरे तौर पर कि ये भगवान या खुदा या ये सब कोई चीज़ें हमको अपने मेहनत से सब कुछ करना है, जब उसको ये समझ में आने लग जाएगा तब हो सकता है कि शांत हो जाए, अदरवाइज शांत नहीं होगा।